ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। थैंक यू। और मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन को स्ट्रेंथन कैसे करें, मन को एम्पावर कैसे करें, मन को एनलाइटन कैसे करें, मन को एनरिच कैसे करेंगे? जैसे आप शरीर को खाना खिलाते हैं, शरीर को सुलाते हैं, शरीर को विश्राम दिलाते हैं, शरीर ठीक रहता है। मैं दिल्ली से आया, मैंने भोजन किया, मैं आधा घंटे थोड़ा सो गया, अभी अब मैं फ्रेश हूं, अभी शरीर फ्रेश हो गया। ऐसे ही मन को कैसे फ्रेश करेंगे? मन ताजा कैसे होगा? कबू सब कैसे करेंगे बताइए? आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं। प्लीज आप बताइए आपका नाम बताइए सब। पीछे और एक सिंह साहब बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब बोलिए, जो छुपेंगे ना मैं उसे सबसे पहले सवाल पूछता हूँ। हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए, मुख तक खोलिए। कुछ बोलते नहीं आज, मौन है ये कानपुर के लोग। सुन क्या सवाल पूछा, क्या प्रश्न पूछा भाई और बहनों? देखो प्रश्न ही बता। तिवारी भाई आपका नाम मुझे याद हो गया है जी, आपसे पूछा नहीं, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं, ये गड़बड़ी नहीं करनी है। तिवारी जी बोलिए, मन को ठीक कैसे करेंगे बताइए प्लीज। देखो प्रॉब्लम, मन को ठीक कैसे करेंगे? हाँ सर, यस जान, आपसे तो पूछा ही नहीं, नंबर आ गया, अनुशासन तोड़ रहे हैं आप। सर सरदार पटेल के वंशज हूं। ओके, वल्लभ भाई पटेल के वंशज। वेरी गुड, बताइए। अपनी सुबह से शाम की जो दिनचर्या है, ओके, जो 24 आवर हमको दिए भगवान ने, दिए हुए परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं जी, उस 24 घंटे का दशांश जी अगर हम अपने शरीर में, मन में, तन में, सिस्टम में लगा देंगे, तो ये जो आपका ये वर्कशॉप ऑफ द स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये 99% ओके हो जाए। ओके वेरी गुड, ताली बजाएंगे। ओके, इसके लिए हमको अपना भोजन की व्यवस्था, क्या खाना है, क्या ही हुआ, कितने टाइम उठना है, कितना योगा करना है, कौन से योग करना है, शाम को नींद 8 घंटे की पूरी करनी है, दिन में काम कब क्या करना है, कब कहाँ करना है, इसके लिए डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब हमें समझ में आया कि जैसे हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे ही अब हमें अपने मन को भी ठीक रखना है। और भाइयों बहनों, मन को ठीक रखने की विधि क्या है? मन को ठीक रखने की विधि, हाँ जी, आप अनुलोम विलोम 20 मिनट नॉन स्टॉप कर लीजिए, 99% मन आपका ठीक हो जाए। ओके, वास्तव में अनुलोम विलोम से मन ठीक नहीं होता है, उससे तन ठीक होता है। ओके, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। हमारा मन कैसे ठीक होगा? मन को ठीक करने की एक ही विधि है कि हमारा मन पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। हमारे मन के बारे में रिसर्च हुई, शोध हुआ, और शोधकर्ता कहते हैं 24 घंटे में हमारे मन में 50,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स क्रिएट होते हैं। भाइयों बहनों, हमारा मन कैसे दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है आप सोच सकते हैं? सवेरे से लेकर रात तक, शाम तक 50,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स हमारे मन में आते हैं। कोई व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक दौड़ता रहे तो उसका हाल क्या होगा? शाम क्या होगा? और हम क्या हो गए बताइए? बहन जी आप थक गई हैं? बहन जी उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, थक गए आप? क्यों शिल्पा जी थक गई हैं? नहीं, फ्रेश है, सारी दुनिया थकी हुई है। मैं आपका औरा पढ़ रहा हूँ, औरा समझते सुरेश जी? औरा समझते? औरा माने क्या है? औरा, औरा माने आभा मंडल, माने प्रभा मंडल, माने सॉफ्टवेयर की शक्ति, वो यहां से हमारे नजर आती है। तो मुझे सभी का औरा कैसा नजर आ रहा है? सभी बिजी, बिली, टायर्ड,
दिस इज वेरी इंटेंस. क्यों क्यों थके हुए हैं? तन से ज्यादा आज हम मन से थक गए हैं. ओके, तो अगर हमें अपने मन को फ्रेश रखना है, अपने मन को ताजा रखना है, तो भाई बहनों उसकी विधि क्या है? उसकी विधि क्या है? हमें पॉजिटिव सोच करनी पड़ेगी.